बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कुमारी नीलम राणा जी हैं क्षत्रिय। इनका प्रश्न है कि ओम नमः शिवाय अथवा कोई भी बीज मंत्र बिना गुरु की आज्ञा के जप कर सकते हैं? ग्रहों के संबंधित बीज मंत्र जप कर सकते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं। अर्थात इनका पूछना है कि ये जो बहन है तो ये पूछ रही है, क्या स्त्रियां ओंकार से युक्त मंत्रों का जप, बीज मंत्र से युक्त मंत्रों का जप कर सकती हैं? क्या वे इन मंत्रों के जप करने में अधिकृता हैं? ये प्रश्न है। देखिए, सामान्य रूप से वैदिक पद, वेद मंत्र, वेद माता गायत्री, ओंकार, स्वाहा, स्वधा, वसटकार, इन सब का प्रयोग यज्ञोपवीति द्विजों को ही करना चाहिए। यदि वे भी ब्राह्मण लोग भी बड़े पवित्र अवस्था में इसका जप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को भी बतलाया गया है, यदि इनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है या कोई पातक इत्यादि कर लिया है जिसका प्रायश्चित नहीं किया है, अथवा ये लोग जो है किसी आशौच में बंधे हुए हैं या अशुद्धा अवस्था में हैं, यहां तक तो भी इन लोगों को भी वैदिक पद बोलने का, वैदिक मंत्र बोलने का, ओंकार बोलने का अधिकार नहीं है। और तो और आपको बात बतलाएं, शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का यदि ये वरात्य हो गए, शाखारंड है, तब भी इनका जो है पतित सावित्री कहें, यानी कि जिनकी उच्छिन्न परंपरा है, जो जिनकी परंपरा में पिता पितामह इत्यादि को गायत्री मंत्र नहीं मिला और बाद में मिला लोगों को, अथवा जिनकी कोई दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा में यज्ञोपवीत करा लिया या उन शाखा का अध्ययन करने लगे, तो उनको शाखारण्य कहते हैं। स्वशाखाम परित्यज्य पर शाखाम यह समाश्रयेत शाखारण्यम तो तद्गेयम सर्व कर्म सुगरिहिता, उसको सभी कर्मों में गर्हित किया गया, किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं बतलाया गया है, तो वो शाखारंड। इसी तरीके से उच्छिन्न परंपरा, वरात्य, जिस समय पे यज्ञोपवीत नहीं हुआ, बिना प्रायश्चित के यज्ञोपवीत हो गया, तो ऐसे लोगों को भी वेद में अनधिकार बतलाया गया है, उनको भी द्विज बंधु कहा गया है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, श्रीमद भागवत महापुराण। स्त्रियों का, शूद्रों का और द्विज बंधुओं का, द्विज बंधु माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी पतित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। पतित कौन? सावित्री से पतित, कुल से पवित्र और आचरणों से पतित, ऐसे लोगों को भी वेद में अधिकार नहीं है। तो बहन जी, आपसे कहने का तात्पर्य यह है, देखिए कुलार्णव तंत्र का एक मंत्र देखिए आप, जो क्या स्पष्ट करता है कि बिना ही प्रणवम मंत्र स्त्री शूद्राणाम प्रकीर्तितः प्रणवेन समायुक्तास् तन मंत्राश्च विश्वोपमाः। इसका अर्थ देखिए, बिना ही प्रणवम मंत्र स्त्री शूद्राणाम प्रकीर्तितः, प्रणव से रहित मंत्रों का ही स्त्री शूद्रों के लिए कथन किया गया है, अर्थात माता बहनों के लिए और चतुर्थ वर्ण वाले व्यक्तियों के लिए प्रणव रहित मंत्रों का ही, प्रणव रहित वो भी वैदिक मंत्र तो है ही नहीं, वेद से रहित पौराणिक या जो है आगमोक्त मंत्रों में इनका अधिकार है, लेकिन वे भी प्रणव रहित। जैसे कि आप ओम नमः शिवाय की बात कर रही हैं, तो ये मंत्र नहीं, शिवाय नमः इसका जप करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव से एक दिन बैठ करके कोई चर्चा हो रही थी, तो उसी में गुरुजी ने बतलाया कि ओंकार को प्रणव क्यों कहते हैं, कि यदि किसी को कहना पड़ जाए कि अगर कोई महिला पूछे
कि क्या मैं जो है ओंकार बोल सकती हूं, तो ओंकार तो उसने बोल दिया। अगर ओंकार का नाम ओंकार ही होता है भी ओंकार वो, तो अगर वो पूछे कि क्या मैं ओंकार बोल सकती हूं, मुझे बोलना चाहिए, तो उसने एक बार तो बोल दिया ना। इसीलिए ओंकार का नाम प्रणव है। क्या मैं प्रणव का उच्चारण कर सकती हूं, ऐसे बोलना चाहिए था आपने जो प्रश्न लिखा है उसमें भी। ओंकार लिखना नहीं चाहिए था आपको, ये पूज्य गुरुदेव के वचन है। बोले इसीलिए ओंकार को प्रणव से द्योतित करने के लिए, ताकि उसका नाम कभी प्रश्नात्मक शैली में भी पूछने में भी कभी ना आए, वो प्रणव से ही उसको कहना चाहिए। तो प्रणव का उच्चारण स्त्री और शूद्रों को नहीं करना चाहिए, उनको मंत्रों को हटा देना चाहिए। सामान्य रूप से नाम मंत्र का एक लक्षण है और बीज मंत्र का लक्षण है तंत्र शास्त्रों में, कि ओंकार से युक्त और जिस देवता का मंत्र है उस देवता के नाम में चतुर्थी विभक्ति नमांत अंत में नमाकार लगा दिया जाए, तो वो जो है नमांत प्रणव से युक्त चतुर्थी विभक्ति से नाम में युक्त जो स्वरूप बनता है उसे नाम मंत्र कहते हैं। और उसी में जिस देवता का जो नाम है उसका आदि जो वर्ण है वो अनुस्वार से युक्त कर दिया जाए तो वो बीज मंत्र हो जाता है। जैसे है ना, राम जी का नाम है तो रामाय नमः प्रणव पूर्व में लगा देंगे, जो प्रणव के अधिकारी है वो प्रणव पूर्व में लगा सकते हैं, है ना। और ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई प्रणव के अधिकारी नहीं है तो हिरिंग ही उनके लिए प्रणव है। तो हिरिंग, अब राम में रा अक्षर है, र है, और जिस अच से युक्त है जो भी स्वर उसमें लगा उसके ऊपर पहले अक्षर को जो है अनुस्वार से युक्त कर दीजिएगा। तो रा है, दीर्घ है, तो ओम या हिरिंग राम रामाय नमः, ये जो है नाम मंत्र बन गया। तो इसी तरीके से हनुमते ना तो हंग हनुमते नमः बन जाएगा, ये नाम मंत्र बनते हैं। परंतु जिनको प्रणव नहीं लगाना है उनके लिए नाम मंत्र में अलग जो है नियम है। जैसे फिर जैसे कोई कोई मंत्र है, वासुदेव मंत्र है या जो है शिव पंचाक्षर मंत्र है, षडक्षर मंत्र है, ये तो इसमें नमः पहले चली गई है, नमः पहले, ये आर्ष प्रयोग है, ये सामान्य बात नहीं है, ये तो जैसा उपदिष्ट है वो वैसा ही करना पड़ेगा। तो वो नाम मंत्र सामान बनाएंगे तो नमः पीछे चला जाएगा, यानी कि हिरिंग नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं, फिर शिवाय नमः, नमः फिर अंत में चला जाता है, क्योंकि नाम मंत्र की वही प्रक्रिया है। जिन मंत्रों में इस तरीके से है पहले से ही ऐसा लिखा हुआ ही है शास्त्रों में कि नमः आदि में है या नमो भगवते वासुदेवाय नमो पहले है तो वहां पहले रहेगा, अन्यथा नाम आप बनाएंगे तो वो नाम बाद में जाएगा। तो जैसे बीजाक्षर जो है तो बीजों में भी कुछ बीज मंत्र ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग करने के लिए स्त्री शूद्रों के लिए अधिकार है और कुछ का नहीं है। सामान्य रूप से ग्रहों के मंत्र की जो चर्चा की है तो ग्रहों के मंत्र माता बहनों को नहीं जपना चाहिए, बीज मंत्र वाले नहीं जपना चाहिए। जैसे सूर्याय नमः ये मंत्र का जप कर सकती हैं, चंद्राय नमः चंद्रमसे नमः बहुमाय नमः इस तरीके से, या हिरिंग प्रणव लगा करके हिरिंग बहुमाय नमः ये जप करना हो तो कर सकती हैं, अन्यथा जो है बीज मंत्रों से और प्रणव से युक्त मंत्र जप नहीं करना चाहिए। यदि प्रणव लगाती हैं तो प्रणवेन समायुक्ता तत्त मंत्रा विशोपमा, यदि जो मंत्र प्रणव से युक्त होते हैं स्त्री शूद्र यदि प्रणव लगा करके ओंकार लगा करके मंत्रों का जप करते हैं तो उनके लिए विशोपमा यानी जहर के समान है, जहर है वो जो है विनाश कर देंगे उनका, उनकी जो भी तपस्या है उसको नष्ट कर देंगे, उनकी जो स्थिति है उसको भंग कर देंगे, पुण्य नहीं होगा पाप होगा। इसलिए पुण्य और सत्कर्म क्या है, वो सत्कर्म वही है जिसको वेद कहते हैं, तो वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। यूं समझ लीजिए आप एक उदाहरण के लिए कि जैसे औषधालय में औषधि रखी हुई है तो उनका एक अनुपात होता है, वही दवा बच्चों के लिए अलग है। अगर बच्चों को बुखार आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो जो पुरुष के लिए जो दवा दी जाएगी वही बच्चों के लिए दी जाएगी, महिलाओं के लिए अलग है,
अगर ऊंट को, भैंस को, गाय को कोई बीमारी हो जाती, बुखार आ जाता है, तो उसके लिए दवा अलग है। फिर वो बड़े बड़े इंजेक्शन है, बड़े बड़े जो है जो कैप्सूल है, गोली है, और वो अगर किसी बच्चे को खिला दिया जाए क्या होगा, मात्रा अलग है। इसी तरीके से उनकी मात्रा में भेद हो जाता है और उसकी स्थिति में भेद हो जाता है। तो वही दवा अनुपात भेद से, तो किसके लिए कौन सी दवा, रोग एक ही है दवा अलग अलग। तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अब महिला में भी कोई गर्भवती महिला है और वही दवा सामान्य रूप से सब किसी को दे रहे हैं और वो गर्भवती महिला को दे दी जाए वो दवा, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, उसके लिए दवा अलग है। फिर भी पूछते लोग क्या आपको ब्लड प्रेशर है क्या, तो वही व्यक्ति है वो भी पुरुष है, तो बोले दवा बदल गई। क्या बोले शुगर है क्या, तो वो शुगर के लिए, शुगर का मरीज है कोई, चीनी की जिसको कोई बीमारी हो गई है, तो उसके लिए वो दवा अलग है। तो बीमारी एक ही है लेकिन दवा अलग अलग है और वो सबका परिणाम एक ही होता है, फल एक ही है, तो वो रोग की निवृत्ति। तो देने वाला समझता है ना ये बात को, लेकिन लेने वाला कोई कहेगा नहीं साहब उनको इतना बड़ा कैप्सूल दिया था, हम भी इतना ही बड़ा कैप्सूल खाएंगे। कोई बच्चा यदि जिद करे कि भाई आपने जो है हमारी गाय को इतना बड़ा कैप्सूल खिलाया, उसको बुखार आ गया था, तो हम भी इतना बड़ा कैप्सूल खाएंगे, तो क्या परिणाम होगा, दुष्परिणाम होगा कि नहीं। इसी तरीके से हमारे यहाँ शास्त्रों में फल में कमी नहीं की गई है, वो फल सभी के लिए समान मिलेगा लेकिन साधन सबके लिए अलग अलग हैं, सबके लिए मंत्र अलग अलग हैं, सबके लिए विधान अलग अलग हैं। ये जो है विधान सामर्थ्या, पुण्य और पाप दिखाई नहीं देता है, ये वेदों से ही सिद्ध होता है। वेद ही कहते हैं कि ऐसे करने पर ही पुण्य होता है और ऐसे न करने पर अर्थात अन्यथा करने पर पाप होता है। कौन व्यक्ति कब किस प्रकार के कितना करे कैसे करे तो वो पुण्यजनक होगा, अभीष्ट का देने वाला होगा या जो अपूर्व की सिद्धि करने वाला होगा। अन्यथा जो है काल भेद होने पर, समय अलग बदल जाने पर, कर्ता के भेद होने पर, स्थान के भेद होने पर, वो सब क्रियाएं फलवती नहीं होती। जिस जिस के लिए जो जो क्रिया, जब जब जितनी जितनी जैसे जैसे करने के लिए शास्त्र कहते हैं, वो वैसे ही करने में सबके लिए हित है। अन्यथा कुछ लोग, आर्य समाजी लोग या जो विधर्मी लोग हैं, गायत्री परिवार वाले या और भी कोई लोग, ये लोग अपना अपना जो है अपनी अपनी ढपली अपना राग गाते हैं, कुछ बात कह दो वही सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, ऐसे गाते रहते हैं, तो ये धूर्त लोग हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो वास्तविक जो सनातनी है वो सनातन धर्मियों की बात को सुने, उनकी जूठन को न पकड़े। जो लोग आजकल, हमारे गुरुजी कल ही कह रहे थे कि जो प्रश्न लोग कर रहे हैं आजकल, वो उनके खुद के प्रश्न नहीं है, आर्य समाज की जूठन चाट करके और वो यहाँ प्रश्न करते हैं कि भाई देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबका अधिकार नहीं है। अरे उन लोगों को कई बार धूल चटा दी गई है और अगर वो चाहेंगे तो फिर भी चाहे जब कर सकते हैं। सनातन धर्मियों में अभी कोई भी जो ऐसी बात कमजोरी नहीं है, चाहे जब उनका जो है मुखमर्दन किया जा सकता है, परंतु वो बात मानते नहीं, उनको मानना ही नहीं। यहाँ हार गए, आदि शंकराचार्य जी के साथ भी यही होता था, उन्होंने जो है कई बार शास्त्रों में हरा दिया, शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, दूसरी जगह फिर आ गया, चलो फिर शास्त्रार्थ होगा। तब जो है ऐसा कोई श्रेष्ठ सुधन्वा जैसा राज्य करने वाला व्यक्ति चाहिए जो कि उनका वध करे कि भाई देखिए अगर शास्त्रार्थ में पराजित होते हो तो यही वध कर दिया जाएगा, ये चुनौती लेकर के। तब जो है यहाँ से छोड़ करके रथेड़ा गया, तब जो बौद्ध लोग भाजे चीन इत्यादि में। तो ये सब प्रकल्प हैं, आज की स्थिति ऐसी है, आज कई चीजें जो हम सत्य जानते हुए भी नहीं बोल सकते। कुछ लोग चाहे जो प्रलाप करते हैं, चाहे जो कहते हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, वे भी विधर्मियों की बात उनको अच्छी लग रही है, कालक्रम से क्या किया जाए, क्योंकि करना धरना कुछ नहीं है, केवल बकवास करना है। तो वो हमारे से ही शास्त्रार्थ करने लगते हैं, यानी कि अपने ही पिता से, भाई से शास्त्रार्थ करने को तैयार है, दूसरे की बात अच्छी लग रही है, तो वही करिएगा जो तुमको स्वतंत्रता दे। क्योंकि मन में व्यक्ति के पाप आ गया है, कारण क्या है, मन में पाप आ गया है। तो वो जो वो चाहता है कि हम पराई स्त्री को देखें, दूसरे को, धन को लें, सब जगह सबका अधिकार हो, तो ये जो बातें कहेगा वो अच्छी लगेगी, अरे कोई बात नहीं है, कर लो, ये कर लो, कोई दोष नहीं है। और जो कहेगा नहीं, वो तो देखना भी अपराध है, ये मत करो, तो वो बात बुरी लगती है। लोगों को अपने माता पिता की बात, अच्छे लोगों की बात, शास्त्रों की बात आजकल बुरी लग रही है, क्योंकि वे खुद बुरे हो गए।
तो जो सनातनी हैं, सच्चे हैं, उनकी जन्मजात वेद में निष्ठा होनी ही है, होती ही है, गुरुओं में माता पिता के चरणों में आस्था होती ही है, वो निश्चित है। लेकिन जिनकी अपने शास्त्र तुल्य पिता, पिता कौन है? बोले शास्त्र ही पिता है। तो अपने पिता में आस्था नहीं है, वेदों में आस्था नहीं है, गुरुओं में आस्था नहीं है, आचार्यों में आस्था नहीं है, सनातन धर्म में आस्था नहीं है, वे लोग ही ये कुतर्क करते हैं। अन्यथा जो लोग श्रद्धावान है वे सहर से इस बात को स्वीकार करते हैं और करेंगे, करते रहेंगे। इसी प्रकार अपूर्व उत्पन्न होगा और उनका कल्याण होता रहेगा। हर हर महादेव।